जनपद बलरामपुर के थाना गैसली में एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफी खराब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी दो लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत खराब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल न ले जाकर के उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। तो इस प्रकरण में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो नामजद अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इसमें आगे छानबीन करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेगी और इनके खिलाफ कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसकी विवेचना गुणवत्तापूर्वक होगी और जो भी इसके अंदर हम लोग साक्ष्य पाएंगे उसके आधार पर अच्छे से प्रोसिक्यूशन चला करके इसमें अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।